पाप कमाए ने, जिहड़े किसानां दे खून नाल हाथ रंगे ने, ओह खून दे धब्बे उहनां दे चेहरे तों नहीं धुल जाणे। सुशील कांजला जी सीगे जिन्हां नूं उहनां दी फोर्सां ने डांगा मार के शहीद किया, वह पाप नहीं धुल जाणा तुहाडा, तुसीं जो मर्जी कर लो। पंजाब नूं अज फिर दिल्ली का तख्त वंगारदा हैगा, भावें दिल्ली के तख्त ने यह समझिया भी असी बहुत सारे थोड़े पंजाब दे विचों थोड़े लीडर खरीद ले आ, ते जर खरीद पंजाब दे सूरबीर नहीं हो सकते। मोदी जी समय रहिंदिया तुसी MSP गरंटी दे कानून ते गल करो, समय रहिंदिया तुसी जड़े दिल्ली समेत सारे देश दे केस पाए आ उन्हां ते सोचो, उन्हां नूं वापस लैण दी गल करो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 5 जनवरी नूं पंजाब दे विच आ रहे ने अते फिरोजपुर दे विच उन्हां दा समागम जिहड़ा कि रख्या गया, जिस नूं लै के किसान आगू सरबत सिंह पंधेर ने लाइव हो के नरेंद्र मोदी दी इस फेरी ते तां चुका सी ने। उन्हां कहा कि असीं उम्मीद कीती सी जो लखीमपुर खीरी दे विच घटना वापरी सी उस दे विच इंसाफ मिलेगा, पर सानूं उस दे विच कोई भी इंसाफ नहीं मिलिया। और की कुछ कहा सरबत सिंह पंधेर ने, आओ सुनते हाँ। मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोलदा दी, जड़ी फिरोजपुर प्रधानमंत्री जी रैली हो जा रही है, जिहदे विच चोन आगाज शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। साडी मंग सी भी लखीमपुर खीरी वाली घटना का इंसाफ दिता जाए, अजय मिश्रा टहनी गिरफ़्तार किया जाए और उन्होंने मंत्रीमंडल तो बर्खास्त किया जाए, पर मोदी सरकार ने उल्ट कदम चुकदिया है 2 नौजवान किसानों नूं होर गिरफ़्तार किया वा। मोदी जी पंजाब दी फेरी ते आ के कुछ ना कुछ जड़ियां गल्लां करके वो लखीमपुर खीरी जड़े पाप कमाए ने, जड़े किसानों के खून ना हाथ रंगे ने, वह खून के धब्बे उन्होंने चेहरे तो नहीं धुल जाने। जड़े हरियाणे दे विच सुशील कांजला जी सीगे जिन्हों उन्हों की फोर्सा ने डांगा मार के शहीद किया, वो पाप नहीं धुल जाना थोड़ा, तुसी जो मर्जी कर लो। और यह पंजाब आ, पंजाब नूं अज फिर दिल्ली का तख्त वंगारदा हैगा, भावें दिल्ली के तख्त ने यह समझिया भी असी बहुत सारे थोड़े पंजाब दे विचों थोड़े लीडर खरीद ले आ, ते जर खरीद पंजाब दे सूरबीर नहीं हो सकते। पंजाब दे सूरबीर किसान मजदूर ते पंजाबी हैगी आ, तुहानूं पंजाब दी धरती ते किवें भाजना पाउणगे आने वाला समा दसूगा। मोदी जी समय रहिंदिया तुसी MSP गरंटी दे कानून ते गल करो, समय रहिंदिया तुसी जड़े दिल्ली समेत सारे देश दे केस पाए आ उन्हां ते सोचो, उन्हां नूं वापस लैण दी गल करो। और जड़े 750 तो बाद तुसी लाशां जड़ियां साडियां भाडे मोढ़ियां ते रखा के पंजाब नूं वापस कीतियां, साडे योधे शहीद किते आ, माड़ी मोटी शर्म हैगी आ, तां तुसी उन्हां दे निवित कोई 4 शब्द कह दो, तो इस करके तुहाडे तो आस नहीं कीती जा सकती। अजे तक पोल्यूशन वाले एक्ट तो तुसी किसानां नूं नहीं कढ़िया होगा, तो मोदी जी ये भी पूरा देश तुहाडे तो जवाब मंगदा वा भी तुसी क्या सीगा 2022 दे विच आमदन दुगनी हो जूगी, क्यों नहीं बोलते हो गे। हाँ, ये पक्की गल आ भी कारपोरेट पक्की मीडिया यह गल्लां दा जवाब मोदी जी को नहीं मंगूगा। और वह इस वेले क्योंकि पूरे देश दे विच चोन बुखार चढ़िया होया और उहदे विच ज़्यादा वो गल्लां लैके जाऊगा, इस करके पंजाब दे किसानां मजदूरां पंजाबियां नूं आह्वान करदे आं भी भरावो, दिल्ली का तख्त फिर पंजाब नूं वंगार रहा वा और सानू डेमोक्रेटिक तरीके नाल पीसफुली तरीके नाल ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਦਾ ਦੇ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।